तो सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिच विजन यूएसए, आप तीनों का ही स्वागत है। ओके, थैंक क्या कहना चाहोगे इस लॉकडाउन जैसे पीरियड में, मतलब जहां पर लोगों के पास इतना काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप लोगों ने शॉर्ट फिल्म बनाई, कैसे किया ये सब चॉइसेस योर्स करके, मतलब कैसे किया? पहले बात तो कंसेप्ट कैसे आया और कैसे इसको फॉर्मलाइज किया, ऑन फ्लोर लेके आ रहा है कनिष्का यार। पहले बोल रही ब्लेस्ड, आई नो, आई नो सिद्धांत विल गिव मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फर्स्ट, आई नो हिम वेरी वेल, सो आई विल स्टार्ट। एक्चुअली वी आर ब्लेस्ड, और हमें ऐसा लग रहा है कि हम शॉर्ट मूवीज में अब हमारी ये मास्टरी हो गई है, क्योंकि जैसे ही कोविड आया, इनफैक्ट हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे बेस्ट प्रोजेक्ट्स जो है वो कोविड के बाद से आना शुरू हुए हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग फॉर अस। कोविड के आते ही हमारी पहली मूवी जो हमने बनाई थी, अरिस सेलेक्शन जागो और जियो, जो कि जैसे कोई जिस वक्त कोई शूट नहीं कर रहा था पूरे इंडिया में, उस वक्त हमने वो मूवी शूट की थी बहुत ही लिमिटेड ग्रुप के साथ, क्रू के साथ। और उसके बाद वो पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई कि हमें उस पिक्चर को पॉपुलैरिटी इतनी मिली कि इंटरनेशनल लेवल पे दो इज माय उन्होंने वो मूवी देखी और तुरंत मुझे अप्रोच किया कि आई हैव अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट वेरी आई वांट टू टेक यू एंड सिद्धांत अगेन, एंड ही कॉल्ड मी अप एंड आई सेड या इट्स वंडरफुल कॉन्सेप्ट, तो एंड सिद्धांत इज गोइंग टू लीड, देयर आर फाइव गर्ल्स, सो आई वाज वेरी थ्रिल्ड अबाउट इट। और मुझे लगा कि चलो अच्छा है, कोविड में ही हम डोमेस्टिक से इंटरनेशनल पहुंच गए, फ्लाइट तो जा रही थी, हम जा रहे तो ट्रू अनघा, आप बिहाइंड द सीन मुझे बता रही थी कि आपको कैसे प्रोजेक्ट मिला, लेकिन कुछ बताना चाहोगे अब जब ऑन फ्रंट है तो? एक्चुअली ये शॉर्ट फिल्म मेरी तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मुझे इतने अच्छी कॉन्सेप्ट पे मुझे काम करने का चांस मिला। एंड एक्चुअली मेरा तो पूरा जो प्रोसीजर था वो पूरा ऑनलाइन ही हुआ है। मेरा ऑडिशन भी ऑनलाइन हुआ, एंड देन हमारे वर्कशॉप थे वो भी ऑनलाइन हुए। मैं और सिद्धांत शूट करते थे हमारा वीडियो एंड एक्टिंग वीडियो, एंड देन वो सर को भेजते थे, एंड देन सर यूज टू गाइड अस कि ऐसा करो, ऐसा ऐसा करते। इसके वजह से पूरा जो मेरा प्रोसीजर था हमारा सबका ही, वो पूरा ऑनलाइन हुआ, एंड इट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। जी ओके, सिद्धांत कम टू यू, क्या जी कहना चाहोगे? मतलब आपके लिए कनिष्का के साथ तो आपने काम किया ही था, लेकिन इन इस प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस था, कितना अलग तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि साथ में जी इससे हाँ ज्यादा मिलना जुलना हो नहीं पाता था, तो कैसे किया फिर? जी हाँ क्या था कि यसर सर जो हमारे डायरेक्टर है वो तो थे नहीं यहाँ पे। उन्होंने कनाडा से ऑन जूम डायरेक्ट किया हमें, तो वो भी एक काफी यूनिक एक्सपीरियंस था। डायरेक्टर को जब पूछते थे इज इट ओके सर, इज इट वन मोर सर, वो कुछ 10 सेकंड बाद रिस्पॉन्स आता था, क्योंकि जूम में फिर वो कैनेडा में सुनते थे फिर ओके। बट बहुत अच्छा था उनके साथ काम करके एक्सपीरियंस, बिकॉज उनकी एज अ मेकर विजन बहुत क्लियर थी। इसके लिए हम ये फिल्म ऑनलाइन डायरेक्टर के साथ करके बन कंप्लीट कर पाए, नहीं तो ना इतना इतनी खिचड़ी फैल जाती। लाइक ऑनेस्टली मैं डरा हुआ था सेट पे जाने से पहले, जब मैंने सुना कि आई डायरेक्टेड ऑन जूम, मैं तो थोड़ा डरा हुआ था। मैंने बोला यार क्या होगा, बिकॉज क्या होता है ना, डायरेक्टर कैप्टन होता है, जब कैप्टन नहीं होता ना तो हर खिलाड़ी अपना खेल खेलने लगता है। तो आई हैव वर्क अर्लियर विद जावेद सर, आई वर्क विद आर डीओपी के साथ मैंने काम किया था, कनिष्का के साथ किया था, बट ही कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ कोविड। तो यसर जी तो जब वो नहीं थे तो मुझे था कि यार कभी कभी क्या होता है ना, एक्टर्स फैल जाते हैं, सब अपने हिसाब से सीन कहीं भी ले जाते हैं, इम्प्रोवाइजेशन होती है। बट हमने एज अनघा मेंशन बहुत रिहर्सल करके उन्हें वीडियोस भेजे थे, तो उन्होंने जो हमको गाइडलाइंस दी थी, ऑल द एक्टर्स, आई मस्ट से दिलशाद इज अ वेरी फाइन एक्ट्रेस, कनिष्का इज अ वेरी फाइन एक्ट्रेस, अनघा वॉज वेरी गुड, कंसिडरिंग एज शी मेंशन ये उसकी पहली शॉर्ट फिल्म थी। एंड जो एक दूसरी भी लड़की थी, आई डोंट व्हाट वाज हर नेम, प्राची आई थिंक, प्राची ओके प्राची प्राची, ओके शी वाज आल्सो वेरी गुड एक्टर। तो हम एज एक्टर्स हम सब ने बहुत मेहनत की, और जो यसर जी का जो विजन था हमने स्क्रीन पे डाला, दैट इज व्हाट आई विल से। एंड कमिंग टू शॉर्ट फिल्म, जो पहले भी जो इन्होंने शुरू किया, क्या था कि पहले ना बहुत कंटेंट जाता था, फिल्में रिलीज होती थी और टीवी चलते जाता था, प्लेज होते थे। जब से लॉकडाउन हुआ है
इंडिपेंडेंट और जो छोटे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको भी तो कुछ करना है ना। जब जैसे आप जूम का इंटरव्यू कर रहे हैं तो यू स्टार्टेड अ न्यू, ये आप अगर नहीं करती अगर लॉकडाउन नहीं होता आप सोचती भी नहीं, करेक्ट? तो बहुत लोग छोटा सोच रहे हैं और यूट्यूब इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अच्छे माध्यम मीडियम्स बन गए हैं अपना कंटेंट डालने के लिए, वहां से पैसे कमाने के लिए। और एडवर्टाइजर्स भी है जो पहले फिल्मों में अपनी एड्स देते थे अभी यूट्यूब पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे देते हैं एड्स। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यंगस्टर्स लाइक अस कि आप सस्ता सुंदर टिकाऊ कुछ छोटा बनाओ, एक शॉर्ट फिल्म बनाओ और उसको अपना टैलेंट आगे दिखाओ। और कई बार ये चीजें इंटरनेशनली भी मतलब अक्लेम की जाती है और बहुत ज्यादा ही फेमस होती है, पॉपुलर होती है, कई बार देखा गया है। जी बहुत बार ऐसा होता है, अभी हमारी भी फिल्म कनाडा में बैठे बैठे यसर जी ने देखा, हमको और काम मिला। तो आशा करता हूँ कि ये फिल्म देख के इसमें जितने कलाकार हैं उन सबको बहुत काम मिलेगा, यू नो। सो यस, ओके। अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो थोड़ा ब्रीफिंग में बताना चाहोगे कि स्टोरी क्या है, आप सभी के किरदारों की बात करें तो। कनिष्का बोलिए। आई एम प्ले दिस मूवी हैज गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, जिसमें कि एक लड़का जो पैसा फेम होता है उसके उसके लिए वो क्या क्या छोड़ देता है पीछे, और भी उसमें बहुत कुछ है स्टोरी में। और मेरा जो कैरेक्टर है वो सिद्धांत की वाइफ का है, और स्टोरी तो मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी बिकॉज मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद देखें एग्जैक्टली, बट आई एम प्लेइंग सिद्धांत वाइफ इन द मूवी एंड ओवर टू अनघा। सिद्धांत आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ डिटेल्स फिल्ड आउट करना चाहोगे? मैं बस ये कहूंगा कि जैसे मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है करण, और वो बेसिकली जो उसकी जो इंद्रियां होती है ना, जो उसकी जो सेंसेस है वो ही लेट्स देम कंट्रोल हिम। और बोलते हैं ना जो फाइव वाइसेस होती है, काम क्रोध लोभ मोह माया, सुख घमंड ईर्षा सुख दुख महत्वाकांक्षा, उसमें सब कुछ एम्बिशन है, ग्रीड है, लस्ट है, जेलसी है। He's a greedy man जो माया के पीछे भागता है, that is his character। And story में दिखाया कि अगर आप अपने desires को control नहीं कर पाएंगे तो आगे आपकी life में आपके पास as the film's title, शीर्षक है फिल्म का, you know, choice is yours। The title means that you have a choice। आप या तो इन्हें control कीजिए और you know एक middle path follow कीजिए, या फिर आप कंज्यूम हो जाए अपने डिजायर, मुझे ये चाहिए सब कुछ हासिल करना है मुझे लाइफ में। मेरा कैरेक्टर ऐसा कुछ है जो सब कुछ हासिल करना चाहता है लेकिन एंड में उसके साथ आप देखेंगे क्या होता है। दैट इज माय कैरेक्टर। ओके अनघा, आप कुछ बताना चाहोगे अपने कैरेक्टर के रिलेटेड? जी, तो मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ उसका नाम है डॉक्टर प्राजक्ता, एंड शी इज अ कॉन्फिडेंट गर्ल, शी इज ब्रेव, एंड वो करण की लवर है। तो उनके लाइफ में क्या होता है, वो ऑप्शंस देती है कुछ करण को, एंड देन करण उन किस प्रकार उन ऑप्शन में से कुछ चूज करता है, एंड देन लाइफ में कैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इस पे मेरा स्टोरी बेस्ड है। एंड ऑल्सो एवरी कैरेक्टर इन द शॉर्ट फिल्म इज चूजिंग समथिंग, एंड इसके वजह से उनके लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, उस पर बेसिकली हमारी स्टोरी बेस्ड है। एंड एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज हम देते हैं कि चूज वाइजली, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी सेल्फिश, चूज वाइजली। So I think, yeah, everyone will enjoy it and, yeah. अच्छा, आप इसे शुरुआत करना चाहूंगी। लाइफ में हर किसी के ऐसा एक मोड आता है जहां पर बोल दिया जाता है कि choice is yours, तुम्हें डिसाइड करना है क्या करना है। तो अनघा, आपके टाइम में या आपने अपने अपनी जीवनी में अभी तक में कभी कोई ऐसा मोमेंट फेस किया जहां पर आप ही को वो क्रॉस रोड पे डिसाइड करना था कि कौन सा राह आपको चुनना है? ओके, सो आई थिंक माई स्टोरी इज लिटिल फनी बिकॉज आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैंने जब मेरा कॉलेज खत्म किया एंड देन जॉब किया, बट आई वॉजंट हैप्पी। तो मेरे लाइफ में मैंने ऐसे डिसाइड किया कि चलो मैं एक्टिंग को एक बार ट्राई कर देती हूँ, एंड माई मॉम सेड कि तुझे जो सही लगता है वो चूज कर, एंड आई चोज एक्टिंग। सो आई थिंक या दिस वॉज माई चॉइस एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। ओके कनिष्का, आप, क्योंकि सिद्धांत आपको प्रिविलेज दे, उससे पहले मैं ही पूछ लेती हूँ कि आप बताना चाहोगे अपना कोई ऐसा? वो उल्टा है क्यों, बिकॉज़ आई एम प्रिविलेज्ड, हमारे पास चॉइस ही नहीं होता है, हमको और कुछ आता ही नहीं, एटलीस्ट दे हैड चॉइसेस, यू नो दे हैव चॉइसेस एंड दे हैव फॉलबैक्स के चलो कुछ नहीं हुआ
यू नो चले जाओ अपने शहर, शादी कर लो या जॉब कर लो या इंजीनियर बन जाओ, आपको यहाँ पे स्ट्रगल करके मतलब यहाँ भी रहना पड़ेगा, ऐसे होता है। कनिष्का बोलेगी अभी। मेरी तो 14 इयर्स का करियर है फिल्म इंडस्ट्री में, 2007 से अभी तक का। मेरी तो चॉइस इज योर्स ही रही हमेशा, इन द सेंस आई हैव आल्सो डन एमबीए इन फाइनेंस, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इवन इन द फिल्म इंडस्ट्री इट इज लाइक आई ऑलवेज कम अक्रॉस यू नो अ पाथ वेरिन आई हैव टू चूज बिटवीन आई हैव टू डू आई वांट टू डू दिस और दैट, सो द एंटायर लाइफ इज लाइक माइन इज लाइक चॉइस इज योर्स, मेरी चॉइस से ही जा रही है। तो You understand what I mean कि फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसे बहुत बार ऐसा होता है यू नो कि आपको ये करना है ये करना है ये करना है। तो जैसे सिद्धांत ने भी कहा कि सिद्धांत ने जैसे कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री से है ही, उनके फादर है पहले से, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, बट उनके पास भी चॉइस है, चॉइस इज योर्स, ही चोज टू बी एन एक्टर। सिद्धांत आप कुछ बताना चाहोगे अपना, कि आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा हो जहाँ पर फैमिली ने या फिर फ्रेंड्स ने या किसी ने भी आपको ये सलाह दियो कि चॉइसेस योर्स, तुम्हें देखना है जो भी देखना है। लेकिन हमें कैसी चॉइसेस होती है ना, देखिए चॉइसेस दो टाइप की होती है, एक होती है हमें क्या करना चाहिए और दूसरी होती है हमें क्या नहीं करना चाहिए। सो पर्सनली फॉर मी आई विल बी ऑनेस्ट, इट वॉज मोर लाइक जब मैं कोई चीज प्लान करूं एंड यू नो सी we all want to make money, you know, you want to earn, you want to rise in life, aap chahte ho ki aap aage jaye life mein, and but kabhi kabhi aap money ke liye kaam karte hain, kabhi kabhi aap creativity ke liye kaam karte hain. So for me the choice has always been between money and creativity, and wo choice leni padti hai, you know, because bahut baar cheezon ko mana karna padta hai ki nahi, and it is so alluring, aapko lagta hai acche paise mil rahe hain aapko, अच्छा यू नो आप पैसे आएंगे, आप अपनी लाइफस्टाइल और अपलिफ्ट करोगे, बट आपको मना करना पड़ता है बिकॉज नहीं यार, मनी इज गुड बट रोल इज नॉट गुड, रोल अच्छा है बट शायद शो आपको एक सिक्स सेंस होता है कि ये चलने नहीं वाला है, चलो मत करो, तो आपको हाँ बोलना भी एक चॉइस है, ना बोलना और बड़ी चॉइस, यू नो, तो ना बोलना वॉज द मेन थिंग के यार ओके नो, एंड यू नो वेटिंग फॉर राइट अपॉर्चुनिटी, चलो बेशक ये जैसे ये शॉर्ट फिल्म है कि हाँ हालांकि ये शॉर्ट फिल्म नहीं है, कोई फीचर फिल्म नहीं है या कोई बहुत बड़ी वेब सीरीज नहीं है, लेकिन इट वाज माय चॉइस दैट यस दिस इज समथिंग व्हिच विल ऐड टू माय रिज्यूम एज एन एक्टर, एक शोरील बनी और इसको आगे दिखा के मेरी लाइफ में और चॉइसेस आएंगी अच्छी वाली, तो इसके लिए मैंने फिर ये फिल्म चूज की, दैट्स व्हाट आई विल से, यू नो। अच्छा प्रोफेशनल फ्रंट आप लोगों का एसोसिएशन कैसा है वो तो आपने बताया ही था सिद्धांत, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी दो बातें जो कनिष्का के बारे में आपको अच्छी लगती हो, लाइक मतलब वो बहुत प्रोफेशनल हैं या फिर बहुत डाउन टू अर्थ है, मतलब कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। मैं आपको उनका बोलूंगा, मैं इनको जानता हूँ अपने जिम से, 48 फिटनेस से, और मैं इनको हाउ आई न्यू, मैं इनको कैसे जानता था ना, एक बहुत ही रिलीजियस लड़की, मतलब पूरा टाइम पूजा पाठ पठन पाठन यज्ञ हवन, कभी पंचमुखी रुद्राक्ष, कभी इस भगवान की पूजा, कभी सत्य, विच आई एम ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस, बट कनिष्का इज वन पर्सन ना, ये पंडिताइन है, ठीक है, तो इनको मैं 2-3 साल से जानता हूँ, एंड आपको एक बात बोलूंगा, जब लॉकडाउन हुआ जो मैंने पहली वाली फिल्म बनाई थी ना वो रेजरक्शन जागोर जियो, तो उस टाइम पे लास्ट ईयर मई जून की बात है, लोगों को इतना डर था कोविड का, मतलब लोग अपनी खिड़की पे ना बाल्टी बांधते थे, रस्सी से बाल्टी नीचे करके भाजी लेते, लोग इतना डरते थे कोविड से, ओके उस टाइम पे ये अपने घर पे अंधेरी हिस्से मेरे घर पे आई और एक पूरी फिल्म की शूटिंग की, शी इज अ वेरी ब्रेव गर्ल, और कोई भी लड़की होती ना बोलती नहीं आई डोंट वांट, मुझे घर के बाहर नहीं निकलने, मैं तो मरना नहीं, पर हम लोग का सीन होते थे टेरेस पे, आप देखेंगे वो फिल्म तो वो कूद रही होती है टेरेस से, यू नो नो एक्शन डायरेक्टर नथिंग, मतलब एक मुश्किल से कच्चा पक्का डीओपी मैं और ये एज पे खड़ी हो गई, एंड तब मैंने सोचा और कोई भी लड़की होती एक्ट्रेस होती ना बोलती आई एम नॉट डूइंग दिस, आप या तो हार्नेस मंगाओ या एक्शन डायरेक्टर मंगाओ, वो कनिष्का है उसके भगवान पे ज्यादा विश्वास है उसके, क्या है वो खड़ी हो गई ऐसे अब कूदने में, बोला वाह यार इसको हैट्स ऑफ बोलना पड़ेगा इस लड़की को, शी स्टूड। इस फिल्म में आल्सो आई वाज आई रिहर्स्ड विद कनिष्का एंड यू नो वो थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि मेरे को उसका गला वाला दबाना था, एंड बट शी वी रिहर्स प्रॉपरली एंड
आई थिंक शी हैज वन लॉन्ग शॉट, मतलब होगा 3-4 मिनट का, पता नहीं क्या टाइम का शॉट, वन या टू टेक्स में इसने लॉन्ग शॉट किया व्हिच वाज आउटस्टैंडिंग. आई विल से दिस अबाउट कनिष्का, यू नो. और डबिंग के बारे में आप सुनते सुनते डब करते हो, कनिष्का का आप पहले प्ले बोलती है सर आप प्ले करो, तो डायलॉग प्ले हुआ वहां की मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये रिपीट करिए मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम है, फट करके डब कर दी, तो कॉपी पेस्ट डबिंग चलती है. But yeah, she is very good and very hardworking girl, and yeah. never said high spirit is. कुछ ना कुछ करती रहेगी. कभी आप इसको एक भेस में देखोगे, कभी दूसरे भेस में देखोगे. That I'll give Kanishka. She has a good spirit. Yeah. Okay. And what about Anaga? मुझे वो dubbing के वक्त का इतना याद है कि पुनीत सर ने मुझे सबसे बड़ा compliment दिया था. अरे यार ये तो सलमान खान है. सलमान खान dubbing में आया. इनसे काम किया मुझे जरा भी नहीं लगा की ये फर्स्ट टाइम एक्टर है एक्ट्रेस है, मतलब मुझे लगा ऐसी झूठ बोल रही है यू नो, ताकि थोड़ा ताकि अगर ये कुछ गलती करे तो हम इसको कुछ मतलब यू नो बोले नहीं. बट शी वॉज अगेन वेरी फाइन एक्ट्रेस. कलंगा हैज दिस नेचुरल ग्रेस इन हर. आई थिंक इट कम्स बिकॉज कथक करती हैं तो उनमें एक नेचुरल फेमिनिन ग्रेस है जो बहुत बढ़िया है. और दैट्स व्हाट आई विल से. एंड इवन पर्सनली एज अ पर्सन आई विल से वन थिंग, जो इन्होंने इंजीनियरिंग की है यू नो, तो जब कोई उस बैग देखे हम फिल्म बैकग्राउंड से, जबकि मैंने भी ग्रेजुएशन करके बाद एमबीए किया, बट जब आप इंजीनियरिंग जैसी कोई एकदम भारी भड़कम चीज कर लेते हो ना, तो आप लाइफ में डिसिप्लिन सीख जाते हो. लाइक आई कुड सी दिस डिसिप्लिन इन अनघा, दैट शी वाज अप्रोचिंग एवरीथिंग वेरी प्रोफेशनली एंड बहुत मेथोडिकल तरीके से अप्रोच कर रही. एंड आई थिंक दैट हैज शोन इन हर, इट विल शो ऑन स्क्रीन. एंड आई थिंक ऑल आउट ऑफ ऑल ऑफ अस आफ्टर दिस फिल्म, आई थिंक अनघा विल रियली कैच अ लॉट ऑफ आईबॉल्स, मुझे ऐसा लगता जी. थैंक यू सो मच. अच्छा अनघा, कनिष्का और सिद्धांत के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कनिष्का जी तो मेरी रूममेट थी, तो मुझे तो उनके बारे में बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी जो मैं बता सकती हूँ. वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, लाइक अमेजिंग. उनका खाना खाने में जो मजा आता है, बहुत अच्छा खाना बनाती है. ऑल्सो उनके पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज हो जाती है. एंड वो कभी ना नहीं बोलती शेयर करने के लिए. तो शी इज वेरी नाइस, शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग आई विल से. एंड सिद्धांत अगेन इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. एंड ऑल्सो सिद्धांत के वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बिकॉज सिद्धांत ने बहुत सारे नाटक किए हैं, उन्होंने महाभारत किया हुआ है एंड उन्होंने शॉर्ट फिल्म किए, तो उनसे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं सीन को. जब आप सेट पे जाते हो तो किस प्रकार से आप बिहेव करते हो एंड देन किस प्रकार से आप एक्टिंग करते हो, तो ये सारी जो एक्टिंग रिलेटेड चीजें हैं वो मैंने सिद्धांत से सीखी है. सो स्वीट, थैंक यू. ओके कनिष्का, आप कुछ दोनों के बारे में बताना चाहोगे? वैसे तो सिद्धांत के साथ आपका एसोसिएशन है पहले से, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी खास बातें जो आपको अच्छी लगती है उनके बारे में. एक्चुअली इन लोगों ने मेरी इतनी तारीफ कर दी, आई एम सो मच ओवर एक्साइटेड कि मुझे इनके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा है. लेकिन फिर भी सिद्धांत मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और बहुत अच्छा एक्टर है. और सिद्धांत अपने बारे में कुछ याद दिलाओ, उन्होंने अपना डबिंग वबिंग सब याद दिलाया, आप भी दिलाओ याद. एक्शन में मारता है थोड़ा. नहीं मुझे याद आ रहा है, थोड़ा याद आ रहा है. तो सिद्धांत की एक तो बहुत, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है वो, लेकिन वो बहुत डाउन टू अर्थ है. और मतलब उनका इतना अच्छा बैकग्राउंड है, पुनीत सर के बेटे हैं वो, लेकिन उनके अंदर कभी वो एटीट्यूड नहीं आता है. लाइक यू डोंट फील कि यू नो ही इज लाइक ही इज अ बिग सुपरस्टार सन. यू डोंट फील दैट, यू फील कि एक अपना ही हमारे तरह ही कोई आया है जो यू नो डाउन टू अर्थ है. तो ये उसकी बहुत अच्छी बात है. मैं शब्दों में शायद अच्छे से बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन उसका डाउन टू अर्थ एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है. और एक बहुत अच्छा एक्टर है, कोऑपरेटिव है बहुत ज्यादा. और इनफैक्ट मुझे तो ये याद है कि
वो मुझे रिसरेक्शन के वक्त खुद प्रिपेयर करवाता था स्क्रिप्ट अच्छे से बैठ के, बहुत मेहनत की उसने मेरे पीछे, बहुत पुनीत सर ने बहुत मेहनत की, वो मुझे उनका ज्यादा याद आ जाता है बिकॉज ही इज लाइक अ फादर फिगर, तो वो मुझे ज्यादा दिमाग में रहता है. बट ही इज वेरी कोऑपरेटिव और बहुत अच्छा एक्टर है. और मुझे याद दिलाओ कुछ. Yeah, Siddhant is very hardworking, I must say. Thank you so much. बाकी सब मैं बाद में बता दूंगी, वो है ही अच्छा दोस्त मेरा, कभी भी मैं बता सकती हूँ. और अनघा मेरी रूम पार्टनर है, शी इज वेरी स्वीट. अभी जस्ट आई है वो, एक साल ही हुआ है शायद उसे इस टाइम पे, जिसमें से आधा टाइम तो उसका कोविड में घर पे चला गया है. तो जितने भी मंथ को मेरे साथ रही है, शी इज वेरी लिटिल चबी क्यूट काइंड ऑफ गर्ल जो मुझे ऐसा लगता है, और बहुत फ्रेंडली है, और हमेशा मुझे ऐसे छोटी बहन जैसा मुझे फील होता है. तो शी इज लाइक अ लिटिल सिस्टर फॉर मी, और वो भी अच्छा खाना बनाती है. बोथ ऑफ देम आर वेरी डियर फ्रेंड, वेरी नियर एंड डियर फ्रेंड. Awesome. आप लोगों के जो जोड़ी है, ट्रायंगल है, बहुत अच्छा है. अच्छा सिद्धांत, आप तो जरूर फ्रेंडशिप आप लोगों की बहुत अच्छी है, दोस्ती बहुत अच्छी है. थैंक यू. Okay. सिद्धांत आपसे जरूर जानना चाहूंगी, जैसे डैड ने, पुनीत सर ने बहुत सारे फील्ड में अपना हाथ आजमाया, चाहे वो फिल्में कह लीजिए या फिर स्मॉल स्क्रीन कह लीजिए, और एक्शन के तो वो देवता कहीं ना कहीं माने जाते हैं, कहीं ना कहीं जो एक विलेन साइड होती है तो उन्होंने बकायदा उसको स्क्रीन पर जस्टिस किया है. तो क्या कहना चाहोगे, कभी आप ऐसे कुछ अलग अलग चीजें ट्राई करना चाहते हो, लाइक आपने शॉर्ट फिल्म तो ट्राई की लेकिन अभी वेब सीरीज का दौर बहुत ज्यादा है, रियलिटी शोज पुनीत सर ने किए थे, लाइक बिग बॉस किया था उन्होंने, क्या मतलब आप किस में आपका रुझान सबसे ज्यादा है? जी, मैं ये कहूंगा कि देखिए, उन्होंने अपने करियर के एक स्टेज पे आके बिग बॉस किया था जब वो 58 इयर्स के थे, तो वो अलग था बिकॉज ही वॉन्टेड टू रिवाइव एक यंगर जनरेशन को, में एक न्यू, एक नई पहचान बनाना चाहते थे, परंतु एक यंगर जनरेशन से उनको एक कनेक्ट चाहिए था जो उन्हें मिला. एज फार एज आई एम पर्सनली कंसर्न्ड, मैं कभी रियलिटी शोज नहीं करूंगा बिकॉज मेरा एक अलग नेचर है, आई एम अ लिटिल इंट्रोवर्टेड, आई एम अ लिटिल रिजर्व्ड, तो दैट इज नॉट सम, नॉट दैट मैं जो लोग रियलिटी शोज करते हैं मैं उन पर कुछ लुकडाउन करता हूँ, बिल्कुल नहीं, बट वो एक अलग कला है, आप समझ रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट फील्ड स्पेस. मैं एक कलाकार हूँ, एक फनकार हूँ, मैंने 8-10 साल थिएटर किया है, स्टेज किया है, और शॉर्ट फिल्म्स अभी 3 की हैं, एंड वेब सीरीज भी कर चुका हूँ जो जल्द आने वाली है. बट आई एम लुकिंग एट अ स्पेस, ऑनेस्टली मैं आपसे कहूँगा कि जहाँ मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले, और एक सिलेक्टिवली जो हमें चूज करके जहाँ काम करने का मजा है, शायद अगर टीवी एक इंडस्ट्री अगर बहुत अच्छे फ्लो में चल रही होती, सो आई वुड हैव डन टीवी. बट लास्ट कोविड के पहले भी अगर आप देखें, 2-3 साल उसके पहले भी ना, टीवी में मुझे पर्सनली लगता है थोड़ा सा डिक्लाइन आ गया था, मतलब द काइंड ऑफ कंटेंट जो टीवी पर डाला जा रहा था थोड़ा स्टैंडर्ड बदल गया था. सो आई शट माई सेल्फ टू इट. जहां तक फिल्मों का सवाल है, वही बात है, मैं रोल देखता हूँ, अगर रोल अच्छा होगा मैं क्यों ना करूंगा, इफ आई गेट समथिंग जो अच्छा रोल हो जिसमें एक्टिंग करने का मौका मिले, टैलेंट दिखाने का मौका मिले, मैं जरूर करूंगा. एक्चुअली मुझे याद आया कि हम जब मिले भी थे तो हम थिएटर की बात करते थे, हम एक बहुत बड़ा लेवल पे रामायण जो प्ले है उसमें आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद देम, एंड इट वाज अबाउट टू गो, इवन दैट वाज अबाउट टू गो ऑन इंटरनेशनल लेवल बिकॉज we were planning to make it big. I mean, Siddhant and I thought that I am also going to part of it. I said we were, and the thing is ki hum yahi soch rahe the ki isse aage hamara theater mein itna bada ye ho jayega, achievement hoga, and in fact TV se bhi zyada popularity hame theater se milegi aage chalke, but COVID ki wajah se wo aapko pata hai abhi, in fact theaters abhi chal nahi rahe hain, तो उसकी वजह से अब हमने जो शॉर्ट मूवीज की है, आई थिंक दिस इज आल्सो वन ऑफ द अचीवमेंट व्हिच वी वर नॉट प्लान. यस. अच्छा सिद्धांत, बिकॉज ऑफ पापा ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत टाइम से है, तो कभी आपको प्रोजेक्ट मिलने की, ऐसे कभी कोई बिग स्क्रीन के लिए अप्रोच किया आपने और ड्यू टू सम रीजन वो चीजें ऑन फ्लोर नहीं हो पाई, ऐसा कभी कुछ हुआ, लाइक बड़े प्रोजेक्ट के पीछे आप भागे? देखिए उल्टा है, क्या होता है ना, बिकॉज आई एम पुनीत सर जी सन, एंड उनका एक पर्सोना, एक पर्सनैलिटी रही है उनकी, तो मैं लोगों के ऑफिस
एंटर करता था ना, उससे पहले लोगों का एक प्री कंसीव नोशन था कि यार एकदम दमदार एक ऐसे एक रोल बनाएंगे, एक एग्रेसिव लाउड, यू नो, जैसे उनके पर्सोना है. बट मेरा वैसा पर्सोना नहीं है. आप अभी मुझे देख रही है, मेरी जो कद काठी है, मेरे नैन नक्श हैं. आई डोंट लुक अ लॉट लाइक हिम. आई हैव हिज आईज एंड थोड़ा बहुत है आवाज है, बट मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी है. तो समहाउ द रोल्स व्हिच वर ऑलरेडी रिटन फॉर मी वर अ लिटिल समथिंग जो मैं नहीं करना चाहता. और जब मैं जाता था उनको भी लगता है कि मैं आइडियल फिट में नहीं आ रहा. आप समझ रहे, जैसे रोल्स बनते हैं, आप टिपिकल रोल जो देखे ना, बाहुबली, तंगबली, वो लोग एक पहले से लिख के रखते थे ऐसे कि ये पुनीत का बेटा आ रहा है, मैंने उसको देख. और जब मैं जाके मिलता था उनको भी लगता था, नहीं यार ये तो अलग लगता है, ये तो मतलब हीरो बन सकता है. बट वही बात है, जो हीरो के रोल्स होंगे वो जो बड़े स्टार किड्स होते हैं उनके लिए मोस्टली देयर टू बी रिजर्व. एंड कभी कभी क्या होता था कि बॉयज गुड, ही गेव अ गुड टेस्ट जो भी है, बट समवेयर ही इज पुटिंग द स्टार साइन. एक इमेज है, यू नो, अमिताभ बच्चन को पंच लग गया था, दुर्योधन की इमेज है. कैन वी रिस्क कि हमें एक इतनी बड़ी फिल्म में एक विलन के बेटे को ले? तो कई बार वहां पे भी बात आई है. तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि देखिए, अगर आप एक आउटसाइडर है तो आप जीरो से स्टार्ट कर. अगर आप एक बहुत ही मेन स्ट्रीम मेन हीरो के या स्टार के बेटे हैं, स्टार किड हैं, या बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेटे, तो आप 50 से स्टार्ट कर या 25 से स्टार्ट. समहाउ अगर आपके फादर थोड़े आउटस्पोकन रहे हैं अपने करियर में, उन्होंने चीजें बोली हैं लोगों को थोड़ा, मतलब यू नो दैट वे, और उनका एक इमेज है एंड उन्होंने कैरेक्टर नेगेटिव रोल्स किए हैं ज्यादातर, तो आप कहीं पे माइनस से शुरू करते हैं, बिकॉज वो पहले से सोच के बैठे, हाँ इसको विलन बना. और अगर आपको विलन के रोल्स नहीं करने, आप मानते कि नहीं यार मैं क्यों, व्हाई डोंट आई गेट अ फेयर शॉट, मुझे अच्छा ऑडिशन देना, तो आपको कॉल्स भी नहीं आते हैं ऑडिशन से. ये मैं कहूँ. आई एग्री. तो कनिष्का, यू हैव स्पेंडेड 14 इयर्स आपने कहा इस इंडस्ट्री में, और साउथ में आपने काम किया है. तो क्या कहना चाहोगे, इंडस्ट्री में काम मिलना इजी है आपको लगता है, क्योंकि 14 साल से आप कर रही हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने भी देखे होंगे, तो आपको लगता है कि जो एक पहले से जो इंसान है उसके लिए भी आसानी रहती है सस्टेन कर पाना इस इंडस्ट्री में? क्योंकि आजकल जितने भी नए नए फेसेस आ रहे हैं, नए नए टैलेंट आ रहे, ज्यादातर स्टार किड्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक स्कोप होता है टैलेंटेड लोगों का वो पीछे की तरफ हो जाता है. तो कैसा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, मैं जो स्टार किड्स होते हैं उनके बारे में तो कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस लाइफ है. तो जिनकी लाइफ मैंने जी रही है उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी. लेकिन क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ और मैंने हर काम अपनी लाइफ में ऑडिशन के थ्रू अचीव किया है अभी तक, इसलिए मैं अपनी बात करना चाहूंगी कि मेरा जो फेज रहा है वो बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला, क्योंकि हमारे टाइम पे तो ये ऐसे इतने अच्छे मोबाइल भी नहीं थे. जब 2007 में आई गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम 4,500 पीपल फ्रॉम अहमदाबाद, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, जहाँ पे साउथ से भी लोग आए थे ऑडिशन देने, उन 4,000 लोगों में से मैं सिलेक्ट होके आई थी एक प्रोग्राम में, बाथरूम सिंगर जो आया था सहारा फिल्मी पे. एंड आफ्टर दैट आई हैव डन 2-3 रियलिटी शोज, अनु कपूर जी का म्यूजिक मस्ती एंड वुमेन, वो भी मैंने जीता था. लेकिन उस वक्त फिर वो सोशल मीडिया नहीं था जहाँ पर हम इतना ज्यादा अपने आप को प्रमोट कर पाए, या लोगों तक रीच नहीं थी इतनी जो अब है. और उसके बाद भी जैसे चॉइस इज योर्स, आपने पहले भी सवाल पूछा था कि वो कितना लाइफ में अप्लीकेबल है, तो मैंने अभी जो हंस के बात कर दी थी वो मैं अभी सीरियस नोट पे कहूंगी कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेन लीड हमें ऑफर होता है. अब यहाँ पर कैसा होता है कि जैसे महेश भट्ट जी की बेटी आलिया भट्ट है, तो उन्हें कोई इतना हद तक पूछेगा नहीं या कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि आजकल तो सब ओपनली बता रहे हैं. ईशा कोप्पिकर बता रही है, अंकिता लोखंडे, अभी तो प्राची देसाई भी सेम बात कर रही है. उनको तो ब्रेक मिल चुका था, टीवी सीरियल्स में हिट हो चुकी थी, फिर भी उन्हें प्रोड्यूसर डायरेक्टर कॉम्प्रोमाइज के लिए ऑफर करते थे. तो सेम प्रॉब्लम मैंने फेस किया. आई वॉज रियली गेटिंग वेरी बिग ह्यूज प्रोजेक्ट्स, ह्यूज मूवीज और एज अ लीड, एंड देन आई कुडंट डू बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी सोफिस्टिकेटेड स्मॉल फैमिली, अहमदाबाद से हूँ मैं. तो आई ऑलवेज यूज टू से दैट सर मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी, एंड आई यूज टू गेट द सेम आंसर, चॉइस इज योर्स, क्लोज योर फाइल एंड यू नो गो बैक टू होम.
शादी कर लो, बच्चे कर लो, ये वो, ऐसे सब चॉइसेस योर्स बोलते थे, बट मैं टिकी रही और मैं अपने ऑडिशंस देती रही. साउथ के जो मैंने 3 प्रोजेक्ट किए हैं जो मैंने ऑडिशंस के थ्रू किए हैं, सो आई हैव ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज्ड. या कैन यू हियर मी? यस 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 प्लीज कंटिन्यू. या सो इवन साउथ के भी जो प्रोजेक्ट किए हैं, आई हैव गॉन थ्रू अ वेरी लाइक टफ, लाइक एक दिन में 11 ऑडिशन, बार बार ऑडिशन देकर, यू नो, बहुत मेहनत से मैंने धीरे धीरे किया, अचीव किया. लेकिन जब भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आती थी तो साथ में कंडीशन आती थी, यू हैव टू स्लीप विद प्रोड्यूसर, यू हैव टू स्लीप विद डायरेक्टर एंड एक्टर, एंड दे यूज्ड टू से दैट बिग प्रोड्यूसर, आई डोंट वांट टू नेम, बट बिग प्रोड्यूसर डायरेक्टर यूज्ड टू से दैट विदाउट स्लीपिंग विद 10 पीपल यू कैन नॉट बिकम अ लीड. आपके अंदर वो टैलेंट आएगा ही नहीं, यू वोंट बी एबल टू एक्ट इफ यू डोंट स्लीप. And I was like, I got into depression for because of that for 1 year. So हमेशा ऐसा ही हुआ है कि बहुत मेहनत करनी पड़ी है इतने सालों में, लेकिन खुशी होती है अंदर से कि चलो ठीक है, धीरे 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 करके आए हैं अचीव. लाइक आई वॉज टॉकिंग अबाउट साउथ मूवीज, सो दो 3 प्रोजेक्ट्स आई गॉट टू ऑडिशंस, बट देन आफ्टर दैट फॉर बिगर प्रोजेक्ट्स, फॉर बिग प्रोड्यूसर विद बिग प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर, अगेन द सेम थिंग कि अगर आप कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं तो व्हाट वी आर गोइंग, सेम क्वेश्चन यूज टू, यू नो, मेरे दिमाग पे बहुत असर करता था कि हम तुम्हारे पीछे 500 करोड़ क्यों खर्च करें, तुम हमारे लिए क्या करोगी. सो यू नो दिस इंडस्ट्री एट टाइम्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, या तो फिर आप बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो तो आप उतना पैसा दे दो, यू नो, सो दैट दे विल कास्ट यू, लाइक दे विल से कि, इवन पीआर वाले बोलते हैं कि यू पे मी 50,000 अ मंथ. फॉर एन आउटसाइडर इट इज वेरी डिफिकल्ट. आप अहमदाबाद से आए हो, आप सर्वाइव कर रहे हो, यू कैन नॉट पे 50,000 रुपीज एंड यू कैन नॉट थिंक ऑफ कि असल में आपको 50,000, आप मुझे 50,000 हर महीने तो मैं आपको बड़े बड़े प्रोड्यूसर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, और इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे वहां पे भी वो कंडीशन तो डालेगा ही डालेगा. सो इट इज लाइक या इट इज वेरी चैलेंजिंग, बहुत डिफिकल्ट होता है. और मीन वाइल मैं हमेशा फेवर करती हूँ स्टार किड्स का भी, क्योंकि वो भी बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर इस दुनिया में आए हैं, तो वो भी कुछ करने आए हैं. ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी के घर पे पैदा हो गए इसका मतलब, आज संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर है वो पैदा हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो काम ही नहीं करेगी, यू नो. एंड आई एम ऑलवेज इवन आई थिंक इट इज नॉट इवन रॉन्ग कि नेपोटिज्म ये वो, मुझे तो वो भी सही लगता है, क्योंकि हर फादर, आज मेरे फादर भी यही बोलेंगे ना कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या कर सकता हूँ. तो मुझे ना नेपोटिज्म गलत लगता है ना, लेकिन हर 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 इंसान को जो यहाँ पे है, एवरी वन इज स्ट्रगलिंग एट द स्टेज वेर एवर दे आर, इट इज लाइक दे हैव टू रियली वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस एंड फेम. अच्छा अनघा, इतना सब कुछ सुनने के बाद में मतलब कोई घबराहट से हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है कि यार इतना मतलब लोगों ने इतना वक्त दिया है लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल बहुत है लाइफ में. एक्चुअली जब मैंने डिसीजन लिया था कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ तब मुझे थोड़ी सी आइडिया थी कि शायद मतलब होगा ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा, बट मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत न्यू हूँ, मैंने अभी तक उतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है कि मैं इस पर कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट भी करूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है लाइफ में. मैं पोजिशन में भी नहीं हूँ कि मैं कुछ बोलूँ. बट अगेन अगर हम नेपोटिज्म की इसमें बात करें तो आई थिंक किसी का फॉल्ट नहीं. अगर मेरे डैड डॉक्टर होते तो उन्हें भी लगता कि मेरी बेटी डॉक्टर बने. सो इट्स लाइक दैट एंड मुझे नहीं लगता कुछ गलत है, बस इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलने चाहिए, ये मेरा व्यू है. करेक्ट. और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, एक तो ये अनघा का जो टाइम है, ये जो नए बच्चे है ना, इनकी सबसे अच्छी चीज ये है दैट दे हैव गॉट सेवरल ऑप्शंस. दे हैव गॉट दिस वेब सीरीज, दे हैव गॉट ए डिजिटल प्लेटफॉर्म, यू नो, लाइक हाउ नाउ we are making short movies, so this is the very good time. Very now they are abhi to wo me too bhi hai, you know, it is like ab sab broad sab kafi open minded ho gaye hai, very girls are also coming out with whatever they are facing. abhi ka jo work hai na usko itna acha ho gaya hai ki kisi ko itni zarurat bhi nahi hai ki basically aaj ki jo generation hai unki sabse achhi baat ye hai ki aajkal digital platforms ho gaye hain aur ab logo ke paas khud hi ghar mein bhi achhe cameras ho gaye hain, ideas hai, creativity hai, concept hai, so it is not that tough. jahan par pehle ke zamane mein hame bahar ke you know city se yahan aakar sirf un particular logo ko approach karna padta tha jo shahrukh salman banate hain, lekin aaj ke date mein koi bhi aap dekho raaton raat utke koi bhi ladki star ho jati hai, kabhi koi ho jata hai, so it all depends on the creativity. so now there are other ways also to become popular and to get famous, to earn money,
and I think it is not that challenging or tough. That's what I believe. Anaga can say more about on this. कनिष्का जी जो बोल रही वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि अभी सब जैसे सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया पे बहुत सारे हम कंटेंट देखते हैं, आई फील एक्चुअली इट इज हार्ड अब की जनरेशन में बनाना, क्योंकि बहुत टैलेंट है अभी और हर कोई अपना टैलेंट शोकेस कर पा रहा है, या दैट्स इट, लाइक जो जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास क्रिएटिविटी है, वो आगे बढ़ पाएगा, अब ऐसा टाइम आ गया है, एंड या एवरीवन इज वर्किंग ऑन दैट ओनली. ओके, लास्टली कुछ मैसेज देना चाहोगे आप व्यूवर्स को जो इस शॉर्ट फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार दे और बहुत ज्यादा पसंद करे? हमारी मूवी है चॉइसेस योर्स, जो कि 24 अप्रैल को 11 बजे के बाद आप देख सकते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक मैसेज है आपके लिए, तो आप लोग प्लीज इसे जरूर देखिएगा. मूवी नेम इज चॉइसेस योर्स, डायरेक्टेड बाय आसर शेख. And me, Siddharth Sir, Anaga and Dilshad, we all have really worked hard. और मुझे लगता है आप बहुत enjoy करोगे, अभी lockdown भी है, तो आप please हमारी movie देखिए. Anaga, हमारी short film Choice is Yours release हो रही है 24th of April 11 बजे Pocket Aces के YouTube channel पे, so please जाके देखिए, हमें आपके प्यार की बहुत जरूरत है, and be safe, COVID में mask पहने, sanitizer use करे, and be safe. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, एंड सिद्धांत को भी, सिद्धांत क्या है नहीं लेकिन फिर भी कि अपना समय दिया, और इट इज रियली नाइस टॉकिंग टू यू बोथ ऑफ यू और ऑल ऑफ यू. आप भी देखिएगा, इस चॉइस इज योर, और पक्का. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय 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 बाय. हाय गाइस, दिस इज रिया शर्मा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए.